सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अद्य वयं षष्ठी कक्षायाः अष्टमः पाठः आधुनिक युगस्य आविष्काराः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठवी पाठ आठ आधुनिक युगस्य आविष्काराः के विषय में पढ़ेंगे। आपको पता है, हम एक बात बार बार सुनते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जितनी आवश्यकताएं हमारी बढ़ती है, उतने नए नए आविष्कार होते रहते हैं। हम अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के मशीनों का उपयोग कर अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम कुछ यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। यंत्र वे होते हैं जो हमारे कार्य को आसान बनाते हैं, रुचिकर बनाते हैं। तो पहले देखिए, चित्र में आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? फ्रिज। अच्छा, फ्रिज। फ्रिज को संस्कृत में क्या बोलते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अनन्या ने सही कहा, फ्रिज को संस्कृत में शीतलकम यंत्रम कहते हैं। तो चलिए आज हम शीतलकम यंत्रम के बारे में पढ़ेंगे। अधुना विज्ञानेन अति उन्नति कृता। अधुना, अधुना माने अभी। विज्ञानेन, विज्ञान ने अति बहुत उन्नति उन्नति कृता किया है। आज के समय में विज्ञान ने बहुत उन्नति किया है, अर्थात बहुत प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया है। तेषु, उनमें शीतलकम यंत्रम, शीतल शब्द का अर्थ होता है ठंडा, और शीतलकम जो ठंडा करता है उसको कहते हैं शीतलकम यंत्रम। प्रथमम अस्ति, पहला है, और जो बहुत सारे यंत्र हैं उनमें से पहला शीतलक यंत्र है। जनाः अस्य महति आवश्यकता प्रतिगृहम अनुभवन्ति। जनाः, जनाः माने लोग, सभी लोग अस्य इसकी महति बहुत आवश्यकता आवश्यकता को प्रतिगृहम प्रत्येक घर में हर घर में अनुभवन्ति अनुभव करते, अर्थात लोग इस शीतलक यंत्र की आवश्यकता प्रत्येक घर में अनुभव करते हैं। शीतलक यंत्र की आवश्यकता को हर लोग हर घर में आवश्यक समझा जाता है। ग्रीष्मकाले च अस्य महती उपयोगिता परिलक्षते। ग्रीष्मकाले, गर्मी के समय में, कौन से समय में? गर्मी के समय में अस्य इसकी महती बहुत उपयोगिता परिलक्षते, उपयोगिता परिलक्षित होती है। गर्मी के समय में शीतलक यंत्र की उपयोगिता बहुत अधिक परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। आप लोगों के घर में आप देखे हैं फ्रिज। आगे देखते हैं, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं या जो व्याकरण है उनको एक बार देखते हैं। अस्य, अस्य का मूल शब्द है इदम, और षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रतिगृहम, प्रत्येक घर में, इसको समास करते हैं तो गृहम गृहम प्रतिगृहम अव्ययी भाव समास। ग्रीष्मकाले, ग्रीष्मे काले, ग्रीष्मकाले तत्पुरुष समास। एक प्रश्न है, चलिए साथ साथ हम प्रश्न भी देखते हैं। जनाः कस्य महति आवश्यकताम् प्रतिगृहम अनुभवन्ति। हाँ, मोहित को बताना है। जनाः शीतलकम् यंत्रस्य महति आवश्यकताम् प्रतिगृहम् अनुभवन्ति। अगला देखते हैं, संगणक यंत्रम्। संगणक यंत्र, आपको चित्र में कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? कंप्यूटर। हाँ, तो इसी कंप्यूटर को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? संगणक यंत्रम्। तो चलिए संगणक यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। अस्मिन् युगे संगणकस्य उपयोगः सर्वेषु क्षेत्रेषु दृश्यते। अस्मिन् माने इस युगे, युग में संगणकस्य, संगणक का
उपयोगः उपयोग सर्वेषु क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में दृश्यते दिखाई देता है। कंप्यूटर का उपयोग इस युग में हर क्षेत्र में दिखाई देता है। पढ़ाई के क्षेत्र में कंप्यूटर, कल कारखाने के क्षेत्र में कंप्यूटर, हर क्षेत्र में कंप्यूटर बहुत उपयोगी है। अनेन यंत्रेण क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत्। अनेन यंत्रेण इस यंत्र के द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत्। क्रांतिकारी परिवर्तन बदलाव अभवत् हुआ। इस कंप्यूटर यंत्र के आने से एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अद्य शिक्षा क्षेत्रे अस्य महती आवश्यकता वर्तते। आज अद्य माने आज शिक्षा क्षेत्रे शिक्षा के क्षेत्र में अस्य इसका इसका किसका कंप्यूटर महती आवश्यकता बहुत आवश्यकता वर्तते। वर्तते माने है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता है। देश विदेशानां समाचारम इंटरनेट माध्यमेन प्रेषयितुं समर्थः अयं संगणकः। देश विदेशानां विदेशों का समाचार समाचार खबर इंटरनेट माध्यमेन इंटरनेट के माध्यम से प्रेषयितुं भेजने के लिए समर्थः समर्थ है अयम यह संगणक कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर है वो देश विदेश के समाचार को इंटरनेट के माध्यम से भेजने के लिए समर्थ है। हम देखते हैं ना समाचार इंटरनेट के माध्यम से। अधुना संगणकस्य उपयोगिता वर्तते। अधुना अभी संगणकस्य कंप्यूटर का संगणक का उपयोगिता उपयोगिता वर्तत है। आज के समय में कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी यंत्र है। चलिए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। दृश्यते दृश्य धातु का ये रूप है। अनेन इदम इसका मूल शब्द है और तृतीय विभक्ति एक वचन। अद्य अव्यय है और अद्य का मतलब होता है आज। शिक्षा क्षेत्रे शिक्षायाः क्षेत्रे शिक्षा क्षेत्रे तत्पुरुष समास। चलिए एक प्रश्न है छोटा सा आप लोगों के लिए। अधुना केन यंत्रेण क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत्। अभी किस यंत्र से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है? हाँ सुबोध को बताना है। किस यंत्र से? कंप्यूटर से। कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहते हैं? हाँ संगणक यंत्र। तो उत्तर हो जाएगा अधुना संगणक यंत्रेण क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत्। अब देखिए ये कौन सा चित्र दिख रहा है? अच्छा क्या कहा? हवाई जहाज। अच्छा इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? हाँ सभी बच्चों ने बताया उत्तर। इसको कहते हैं ये चित्र में दिख रहा है इसको संस्कृत में कहते हैं वायुयानम। क्या कहते हैं? वायुयानम। तो चलिए अब इस वायुयान के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एतत् वायुयानम अस्ति। एतत् माने यह वायुयानम वायुयान अस्ति अस्ति माने है। यह वायुयान है। वायुयानम शीघ्रगामी भवति। वायुयान कैसा होता है? शीघ्रगामी शीघ्रगामी मतलब जल्दी पहुंचने वाला जल्दी जाने वाला भवति होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत जल्दी चला जाता है इसलिए इसको शीघ्रगामी कहते हैं। अति द्रुत गत्या गगने उड्डयति। अति माने बहुत द्रुत गत्या तेज गति से बहुत तेजी से गगने गगने आकाश में। गगन माने क्या होता है? आकाश। और गगने माने आकाश में। उड्डयति उड़ता है। उड्डयति माने उड़ता है। ये जो वायुयान है ये आकाश में बहुत बहुत तीव्र गति से उड़ता है। जनाः अनेन वायुयानेन दूर स्थान पर्यंतम गंतुम शक्नुवन्ति।
जनाः, जनाः माने लोग, अनेन, अनेन माने इस, वायुयानेन, वायुयान से दूर स्थान पर्यंत, बहुत दूर स्थान तक गंतुम जाने के लिए शक्नुवन्ति सकते हैं, अर्थात इस वायुयान से लोग बहुत दूर दूर स्थान तक जा सकते हैं, है ना। आपने देखा है ना कि एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं वायुयान से। तो चलिए इस भाग में जो व्याकरण है उसको देखते हैं। गंतुम, गंतुम शब्द बनता है गम धातु से, और गम का मतलब होता है जाना, और इसमें प्रत्यय है तुमुन। गम धातु धन तुमुन प्रत्यय बराबर गंतुम। शक्नुवन्ति, शक धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगे क्या है, प्रश्न है, तो आप सब तैयार हैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। अनन्या तो बहुत खुश दिख रही है, प्रश्न को देखते हैं। चलिए, किम यानम अति द्रुत गत्या गगने उड्डयति, कौन सा यान आकाश में बहुत तेजी से उड़ता है। अरे वाह, सबने हाथ खड़े कर दिया। तो चलिए अब पूछते हैं हम हितेश से, बताइए हितेश। वायुयानम, हाँ वायुयानम अति द्रुत गत्या गगने उड्डयति। तो देखिए दूरदर्शनम क्या है, दूरदर्शनम चित्र में क्या दिख रहा है, हम बोलचाल में टीवी कह देते हैं। तो चलिए इसके विषय में पढ़ते हैं। संपर्क साधनेषु दूरदर्शनम अत्याधुनिक साधनम अस्ति। संपर्क साधनेषु, संपर्क साधनों में, जिन साधनों से हम संपर्क करते हैं उन साधनों में दूरदर्शनम, दूरदर्शन अत्याधुनिक सबसे आधुनिक साधनम साधन अस्ति है। अति धन आधुनिकम अत्याधुनिक, संपर्क साधनों में दूरदर्शन सबसे आधुनिक साधन है। प्रतिदिनम वयम नूतनम समाचारम प्राप्नुमः, प्रतिदिनम प्रत्येक दिन रोज, वयम हम नूतनम नए समाचारम समाचार प्राप्नुमः प्राप्त करते हैं, हम रोज नए नए समाचार दूरदर्शन के माध्यम से ही तो प्राप्त करते हैं, करते हैं कि नहीं। हाँ, विविध विषयाणाम सूचना दूरदर्शनम सूचयति, विविध विषयों की सूचना को दूरदर्शन सूचित करता है। यथा जैसे क्रीड़ा, क्रीड़ा माने खेल, शिक्षा, शिक्षा माने शिक्षा पढ़ाई लिखाई, विज्ञान, विज्ञान माने विज्ञान के विषय में, कृषि, कृषि के बारे में, व्यवसाय आदि नाम व्यवसाय काम, विभिन्न प्रकार के काम के बारे में, विषयाणाम विषयों, विभिन्न प्रकार के काम के विषयों जैसे क्रीड़ा, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, व्यवसाय आदि विभिन्न विषयों के समाचार शीघ्रमेव जल्दी ही जनैः लोग प्राप्तुं शक्यते प्राप्त कर सकते हैं। इस दूरदर्शन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के समाचारों को जल्दी ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें व्याकरण। साधनेषु, साधन मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रतिदिनम अव्ययीभाव समास। नूतन समाचारम कर्मधारय समास। प्राप्नुमः प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। चलिए आप लोग के लिए एक प्रश्न फिर आ गया, दूरदर्शनम किम सूचयति। अरे सब लोगों ने एक साथ उत्तर दे दिया, दूरदर्शनम समाचारम सूचयति। चलो देखते हैं उत्तर क्या है। दूरदर्शनम विविध विषयाणाम सूचनाम सूचयति, है ना। तो हम केवल समाचार नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, दूरदर्शनम विविध विषयाणाम सूचनाम सूचयति। चलिए आगे देखते हैं ये कौन सा यंत्र दिख रहा है।
अच्छा रेडियो मनीष के घर में है, अच्छा इसीलिए आप जानते हैं। देखो यही है रेडियो, अब इसको कहते हैं संस्कृत में रेडियो यंत्रम। तो चलिए रेडियो यंत्र के बारे में देखते हैं। रेडियो यंत्रेण विविध समाचारा भाषणानि गीतानि च श्रूयन्ते। रेडियो यंत्रेण, रेडियो यंत्र के द्वारा विविध समाचारा, विविध समाचार, भाषणानि भाषण, गीतानि गीत, च और श्रूयन्ते सुना जाता है। अच्छा रेडियो और टीवी में अंतर क्या है? हाँ टीवी में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, रेडियो में केवल हम सुन सकते हैं, इसलिए यहाँ श्रूयन्ते शब्द आया, सुना जाता है। रेडियो यंत्र के द्वारा विविध समाचार भाषण और गीत आदि सुना जाता है। अस्माभिः अनेन यंत्रेण अनेके शैक्षिक कार्यक्रमाः वैज्ञानिक प्रयोगाः च ज्ञायन्ते। अनेन यंत्रेण, अनेन माने इस, यंत्रेण माने यंत्र से, अनेके अनेक विविध प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम, वैज्ञानिक प्रयोगाः विज्ञान से संबंधित प्रयोग, च माने और, ज्ञायन्ते जानते हैं। इस यंत्र के द्वारा हम अनेक शिक्षा के कार्यक्रमों को और विज्ञान के प्रयोगों को जानते हैं। व्याकरण देखते हैं। गीतानि, गीत मूल शब्द है गीत और ये प्रथम विभक्ति बहुवचन। श्रूयन्ते, श्रु धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ज्ञायन्ते, ज्ञा धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न आपके लिए एक आया है, देखिए। अस्माभिः रेडियो यंत्रेण कानि कानि श्रूयन्ते, हम रेडियो यंत्र से क्या क्या सुनते हैं? उत्तर है अस्माभिः रेडियो यंत्रेण विविध समाचारा भाषणानि गीतानि च श्रूयन्ते। अब देखिए चित्र में कुछ दिख रहा है क्या? क्या है? अरे वाह, सबके चेहरे में हंसी आ गई, खुशी झलक गई, मतलब आप सब इस यंत्र से बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसको कहते हैं मोबाइल, और इस मोबाइल को संस्कृत में क्या कहते हैं? चलित दूरभाष यंत्रम। क्या कहते हैं? चलित दूरभाष यंत्रम। तो चलिए अब इस चलित दूरभाष यंत्र के विषय में पढ़ते हैं। एतत् आधुनिकं चलित दूरभाषयन्त्रं मोबाइल येन माध्यमेन कस्मिंश्चिदपि स्थाने विद्यमानाः जनाः स्वमित्रैः सह वार्तालापं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतत् यः आधुनिकं, आधुनिक चलित दूरभाषयन्त्रं अर्थात मोबाइल है, ये आधुनिक चलित दूरभाषयन्त्र है। येन माध्यमेन, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से कस्मिंश्चिदपि स्थाने, किसी भी स्थान में विद्यमानाः विद्यमान जनाः लोग, स्वमित्रैः सह अपने मित्रों के साथ, अपने परिचितों के साथ, वार्तालापम, वार्तालापम माने बातचीत, कर तुम करने के लिए, शक्नुवन्ति सकते हैं अर्थात इस मोबाइल यंत्र के माध्यम से लोग किसी भी स्थान में रह करके अपने परिचितों से वार्तालाप करने में समर्थ होते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। अस्य यंत्रस्य ध्वनि अति मधुरा प्रतीयते, इस यंत्र की ध्वनि, अस्य माने इस यंत्रस्य, यंत्र की ध्वनि माने आवाज, अति मधुरा बहुत मधुर प्रतीयते, प्रतीत होता है, इस मोबाइल यंत्र की जो आवाज है बड़ी अच्छी लगती है, इस मोबाइल यंत्र का आवाज बड़ा अच्छा लगता है। जनाः एतत् यंत्रम् कोटरिकायाम्, कोटरिकायाम् जेब में, कोटरिकायाम् माने जेब में, एतत् माने इस यंत्रम्, यंत्र को,
इस यंत्र को लोग कोटरिकायाम जेब में स्थापयन्ति रखते हैं। कोटरिकातः बहिः निसार्य और कोटरिकातः माने जेब से बहिः बाहर निसार्य निकालकर कर्णे स्थले कान के स्थान में कान के ऊपर आनीय ला करके आनीय माने ला करके जनैहि स्वजनेन स्वमित्रेण स्वबंधुना सह वार्तालापं क्रियते। जनैहि लोग स्वजनेन अपने स्वजनों से स्वमित्रेण अपने मित्रों से स्वबंधुना अपने भाइयों से वार्तालापं बातचीत क्रियते करते हैं। इस मोबाइल को अपने लोग अपने जेब में रखते हैं और जब घंटी बजती है तो जेब से निकाल करके कान में लगा करके अपने परिचितों से अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं। अस्य यंत्रस्य उपयोगिता अधुना सर्वेषु क्षेत्रेषु अनवरतम् भवति। इस अस्य माने इस यंत्रस्य यंत्र का उपयोगिता उपयोग अधुना अब अभी सर्वेषु क्षेत्रेषु सभी क्षेत्र अनवरतम लगातार भवति होता है। इस यंत्र की उपयोगिता हर क्षेत्र में लगातार होता है। वयम् अनेन यंत्र माध्यमेन लिखित संदेशम अभिनंदन पत्रम प्रेषयितुं शक्नुमः। वयम् माने हम अनेन यंत्रेन इस यंत्र से अनेन यंत्र माध्यमेन इस यंत्र के माध्यम से लिखित संदेशम लिखा हुआ संदेश अभिनंदन पत्र प्रेषयितुं भेजने के लिए शक्नुमः सकते हैं। अर्थात इस मोबाइल यंत्र के द्वारा हम लिखित संदेश भी भेज सकते हैं। बालकः बालिकाश्च क्रीडन्तः आनन्दमनुभवन्ति। बालक और बालिकाएं क्रीडन्तः खेलते हुए मोबाइल में खेलते हुए आनन्दमनुभवन्ति आनंद का अनुभव करते हैं आनंद लेते हैं मजा लेते हैं मोबाइल खेलने में। आप लोग खेलते हो कि नहीं। एतत् यंत्रम इंटरनेट माध्यमेन अभिनंदन पत्रम शोक पत्रम संदेश पत्रम अन्य महत्वपूर्ण समाचारम प्रेषयितुं समर्थम। एतत् यंत्रम यह यंत्र कौन सा यंत्र मोबाइल यंत्र चलित दूरभाष यंत्र इंटरनेट माध्यमेन इंटरनेट के माध्यम से अभिनंदन पत्र शोक पत्र संदेश पत्र आदि अन्य महत्वपूर्ण समाचार भेजने के लिए उपयोगी है। अतः एतत् यंत्र लोकप्रियम अस्ति। अतः इसलिए एतत् यह यंत्रम यंत्र लोकप्रिय अस्ति है। इसलिए यह यंत्र लोकप्रिय है सब लोग इस यंत्र को पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं व्याकरण। शैक्षिक शिक्षा धन ठक प्रत्यय कर तुम क्रीधन तुम प्रत्यय। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखिए कस्य यंत्रस्य ध्वनि मधुरा प्रतीयते। किस यंत्र की ध्वनि मधुर प्रतीत होती है। हाँ सबको पता है क्या है उत्तर। चलित दूरभाष यंत्रस्य ध्वनि मधुरा प्रतीयते। चलिए बच्चों आप लोगों के लिए कुछ गृह कार्य है और गृह कार्य में क्या दिख रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप अपने संस्कृत की कॉपी में इसको लिख लीजिए और इसका उत्तर लिख करके अपने शिक्षक से उसका परीक्षण करवाइएगा। पहला खाली स्थान देखते हैं। खाली स्थान महती आवश्यकताम प्रतिगृहम अनुभवन्ति। दूसरा वायुयानम खाली स्थान भवति। तीसरा विविध विषयाणाम खाली स्थान सूचयति। चौथा रेडियो यंत्रेण खाली स्थान श्रूयन्ते। पांचवा चलित दूरभाष यंत्रम खाली स्थान स्थापयन्ति। इन खाली स्थानों को आप भरेंगे और अपने शिक्षक से उसका परीक्षण करवाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इन सब यंत्रों के नाम संस्कृत में जान गए तो आप इन नामों को भी स्मरण कीजिएगा और इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमो नमः।